हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ आम की नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का जैम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार आम लिए हैं और उनको बड़े वाले ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, ये चार आम हैं। ये कप में नापेंगे तो ये 1.5 कप बन गया है, तो उसमें हम 1 फुल कप चीनी डालेंगे और इसको मिक्स करके 1 या 1.5 घंटे के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि इसमें चीनी अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए, अच्छे से मिक्स ना हो जाए, फिर हम इसका जैम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इसे रखे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और ये देखिए, ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने गैस पर पैन गर्म होने रख दी है। अब हम इसको इस पैन में डालेंगे। इसको घुमाते रहना है, लगना नहीं चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं। ये देखिए, ये हमारे पास प्लेट में है। ये है सौंफ, ये पिंच भर हल्दी, काला नमक और काली मिर्च पाउडर। इनसे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। गैस को स्लो ही रखेंगे और इसको 15-20 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहना है। देखिए दोस्तों, ये ऑलमोस्ट बन चुका है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कितना अच्छा कलर आया है इसका। देखिए, आम बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और मैंने इसमें 1 पिंच रेड चिल्ली पाउडर भी डाला है, ऑप्शनल है, उससे अच्छा कलर आ जाता है और थोड़ा स्वाद भी चटपटा हो जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया। देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको जैम ब्रेड के साथ या रोटी के साथ, नाश्ते में या किसी भी वक्त खा सकते हैं। बच्चे इसे खास पसंद करते हैं। आइए अब हम इसे गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, जैम एकदम से बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।